हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हम उठ चुके हैं, तो हम बनाएंगे आलू पराठा। तो आज मैंने स्टिक ले ली, तो आज मेरे को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मम्मी डालेंगे थोड़ा सा पानी, और ये है पराठे की आटा। कितने पराठे बनाएंगे मम्मी? मैं तो दो खाऊंगा। जितना सब खाएंगे उतना बनाऊंगी। मैं दो खाऊंगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को ऐसे मसलते जाओ, तो बाद में ज़्यादा गूंदना नहीं पड़ता और सही से आटा गूंद भी जाता है। बता दो ऐसे। मम्मी तो मम्मी की बात आप सुन ही रहे हो, आटा अंदर से फिर सॉफ्ट हो जाता है। हम जो बाद में गूंदते हैं उसमें ज़्यादा वो लगती है, हमें ऐसे ही गूंदना चाहिए। हमारा ये पानी बॉईल होने को रखा है, चाय बनने के लिए पानी रखा है, उसमें तुलसी का पत्ता डाला है। आपको तो पता ही चल चुका है, ये देखो ये तुलसी का पत्ता है। अब ये बॉईल होने चार काली मिर्च, चार लौंग, तीन लौंग ये हम डालेंगे, और अदरक चाय में। पहले हम इनको बॉईल होने देंगे, फिर हम चीनी और चाय पत्ती डालेंगे। और आज मैं नई स्टिक यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे को इतना दर्द से अभी नहीं हो रहा, थोड़ी सी भारी हो जाती है इतने लंबे होने पर। अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो चाहिए, मेरे स्टिक की मैंने अनबॉक्सिंग किया है, चला के भी देखा है, तो बहुत पसंद आया। अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूँगा। ढीला आटा रहने से देने में आसानी होती है। आटे को हमेशा रोटी बनाने से आधा घंटा पहले सान लिए लेना चाहिए, उससे वह सेट हो जाता है, तो रोटियाँ एकदम फुली फुली और बढ़िया बनती है। मैं आपका बना रही हूँ, मैं आलू पराठा, आलू पराठा क्या कह रहा हूँ, मैं आलू पराठा बना रही हैं, लेकिन उनका आलू उधर है, वो पता नहीं कैसे बनेंगी। पहले ऐसा करती थी कि पहले एक मिक्सर में उसको तोड़ लेती हूँ, उसमें मैं आटा डाल के गीला करके बना के बना रही थी, लेकिन अब मुझे अलग तरीके से बना रही हूँ। ये रहे हमारे आलू, हमारे आलू। मैंने इसमें कोई मसाला नहीं डाला है, खाली मैंने इसको काट के और काला नमक, अजवाइन सिर्फ और प्याज, हरी मिर्च। लगभग 10 मिनट की बन जाएगी, 10 या 11 मिनट के। पहली बार मैं लगभग 2 हफ्ते 1 हफ्ते बाद ही ब्लॉग बना रहा हूँ, और किसी को अनाउंसमेंट पता है तो मैं आपको बता दूँ, क्या प्ले स्टोर पर जिनको नहीं पता है और जिनको चीज पसंद है तो प्ले स्टोर पर वो फुल रजिस्टर पर आ रखा है, जाके कर लो। वो 10 जून को आएगा 16 अप्रैल को, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अपने मम्मी पापा से। मैंने तो परमिशन ले ली, मेरे को परमिशन है, आपको भी लेनी पड़ेगी। और उसकी प्राइवेसी पॉलिसी मैं लिख दूंगा कि उसमें क्या क्या ज़्यादा मेन है, मैं वो मेन वाली लिखूंगा, बाकी सारी तो नॉर्मल हमें जैसे मिली थी वही है। इसमें चाय में डालेंगे, चाय के मसाले, इसमें 3 लौंग, 4 काली मिर्च इसको डाल देंगे, हम इसमें डालेंगे। ऐसा नहीं कि 16 एक्लिस आ रहा है तो इसका मतलब ये कि मैं इंस्टॉल करने बैठ जाओगे, मैं तो 16 एक्लिस देखूंगा फिर आराम से इंस्टॉल कर दूंगा। वैसे हाँ, आप प्री रजिस्टर करने के बाद ऑटो इंस्टॉल तो कर सकते हो, अपने आप हो जाएगा। तो मैं 16 एक्लिस मम्मी का तो सबको आता ही है चाय बनाने। अरे हाँ, या सीक्रेट सामने सीक्रेट देख सकते हो, कुल्लड़, हम कुल्लड़ भी डाल देते हैं, अच्छा टेस्ट आ जाता है ना, इसलिए हम कुल्लड़ वाली चाय ज़्यादा पीते हैं। अभी आपको बताते हैं कुल्लड़ वाली चाय कैसे बनती है।
पहले हम इसे वॉश कर लेंगे। मम्मी वॉश कर दो, मम्मी बोलती जाएंगी, मैं भी बोलती जाऊंगी। अब इसका पानी थोड़ा सा सूख जाए तब डालेंगे। हाँ, और इसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो वो है खाली प्याज, हरी मिर्च, हरी धनिया और अजवाइन और घी से तड़का लगाया मैंने और कोई मसाला नहीं डाला इसमें। चल जब हमारे पराठे की बारी आती है तब तक का मैं पॉज करता हूँ। लो हम जैसे पॉज करके ऑन कर चुके हैं। हम चीनी डालेंगे, हमें चीनी डाल दी जाए। मेरे चाय का कितना अच्छा कलर आ रहा है, चाय का कलर मेरे को अच्छा दिख रहा है, आपको भी नहीं दिख रही होगा, इसे अच्छा से सबको ही दिखेगा। मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि किसको चाय ज़्यादा पसंद है। ऐसे लंबा भी कर सकता हूँ मैं स्टिक को, चाहूँ तो कहीं से भी छोटा कर सकता हूँ। तो हम लेते हैं भैंस का दूध और मैं इससे बनाऊँगी घी। जिस दिन बनाऊँगी घी उस दिन आप लोगों को जरूर बनाऊँगी। मलाई डाल दे इसमें, डालने जा रही हूँ। डाल दें, चाय नहीं पीऊंगा चले। पापा चाय नहीं पियेंगे। मेरा मलाई को रख ले, लस्सी बनाई हो और लस्सी के ऊपर इतनी गोल गोल मलाई, थोड़ा दूर दूर हो जाओ। और फिर पराठा और एक कुर्सी और उसको ला कर दे देगा मेरा पापा। देखो मेरी तरफ इशारा करते हुए। ये क्या भैया, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, आपको नहीं पता आजकल की दुनिया यूट्यूब से कहाँ पहुँच गई। गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छी है, आपको करनी चाहिए। इनको कहती हूँ आरो वाली बनाने का, आरो डालते हैं। पापा आरो कब बनाएंगे? आरो वाली, हाँ आरो वाली बनाएंगे, आरो वाला भी ब्लॉग बनाएंगे। कुछ ना कुछ ब्लॉग में मैं डाल ही देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ एक और चैलेंज ब्लॉग करूँ। पहले आरो पराठा बन जाए, मम्मी कह रही है। पापा यो पापा पापा हम नहाने जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, पहले वो टॉयलेट जाते हैं। रमेश की ज़्यादा चाय की बन रही है क्योंकि हम आलू पराठा बना रहे हैं, हमारी टॉप सीक्रेट है। हाँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं उसकी पाए मैंने कि वो सब लिख दूँगा, लेकिन सर मेरे को टाइम लग सकता है, तो मैं सर आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन कर सकता हूँ जिसमें क्या क्या मेन रूल्स हैं। एक सबसे अच्छा रूल मेरे को एक लगा कि अगर आप 18 साल से कम हो तो आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर वो हाँ कर देंगे तो आप खेल सकते हो। दूसरी बात, अगर आप 18 साल से कम हो तो आप 3 घंटे से ज़्यादा नहीं खेल सकते। अगर 3 घंटे उसको नहीं खेलना है, हाँ 3 घंटे उसको नहीं खेलना। अगर आप 18 साल के हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप जब चाहे उसे खेल सकते हो, लेकिन मैं तो अपनी एज एग्जैक्ट एज में रखूँगा लगभग इसको 18 साल तक, 10 साल से इसकी शुरुआत हो जाएगी, यानी कि 10 साल के बच्चे भी खेल पाएंगे। ऐसे मलाई निकालिए और इसको फ्रीजर में रखना है। हाँ। फ्रिज में नहीं तो इसमें स्मेल आ जाएगी, और 10 दिन में इकट्ठा करके इसको फिर बाहर रख देना, गर्मी हो तो 2-3 घंटे के लिए थोड़ी सी दही डाल के। 3 घंटे से ज़्यादा निकल रहे, ये तो बात है। 3-4 घंटे बाद थोड़ा सा, हाँ दे रही आइस डाल के, और फिर इसको मेल्ट कर देना है। फिर उसको थोड़ी देर आपके घर में मिक्सर हो तो मिक्सर में कर लो, या हैंड ब्लेंडर हो तो हैंड ब्लेंडर से जल्दी हो जाता है, जल्दी भी बन जाता है। उसका जो मक्खन मक्खन ऊपर आएगा उसको निकाल लो, पानी से वॉश कर लो। और चलो तो मैं छोटा कर देता हूँ, जब कोई लंबी चीज़ दिखानी होगी तो लंबा कर। देखते हैं हम इस वीडियो में कितना अच्छा रिस्पॉन्स आता है। काफ़ी छोटा हो गया। अब मैं आपको आखिर का बताता हूँ उसमें और क्या है। एक अच्छा रूल है, बहुत अच्छा है। एक और रूल, अगर आप 18 साल के हो तो आप जब चाहे उसको वो कर सकते हो, खेल सकते हो, आपकी मर्जी हो जाएगी वो तो। और अगर आप 18 साल से कम हो और आप खेलना चाहते हो तो आप अपने मम्मी पापा से ज़िद कर सकते हो। मैंने मम्मी से बहुत ज़िद करी तब जाकर मेरे को परमिशन मिल गई है ना मम्मी, तो अभी जिद कर लो। तो मैं बता रहा हूँ वो 10 जून को आएगा, 10 जून याद रख, यानी कि 16 रखें इसके लिए। जिसको ऑटो इंस्टॉल करना है ऑटो इंस्टॉल करके रख सकता है, फिर रजिस्टर कर दो और ऑटो इंस्टॉल पे कर दो, अपने आप हो जाएगा, यानी कि आप 16 एटलीस्ट का मजा उठा सकते हो, बाद में अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है।
अभी तक जिसने प्री रजिस्टर नहीं किया प्ले स्टोर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाके कर लो। तो आप बहुत दिन से कह रहे थे कि अनाउंसमेंट दे दो कब आएगा, तो मैं बता रहा हूँ आ जाएगा 10 जून को पैटल ग्राउंड। अभी तक जिसको नहीं पता चला है उसको बता रहा हूँ। बाकी तो हम लास्ट में डालेंगे इसमें चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जैसी ही बारी आती है वैसे ही खुलना मैं भूल ही जाती हूँ कि खुलता कैसे है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि मैं थोड़ा बहुत ढूंढ दिखाऊँ। हाँ ऊपर कर रहा हूँ और मुझे कितना अच्छा लगता है। अरे ऊपर नहीं देखना, अरे बोला ना ऊपर नहीं देखना, जैसे अगर आपको देखना ही है तो देख लो ऊपर है ही एक अच्छा सा डिजाइन और एक खाली सा चेयर। वहाँ पे फैन लगने वाला था लेकिन लॉकडाउन लग गया, और वैसे भी लॉकडाउन नहीं लगा था तब भी मम्मी जिद की थी लेकिन पापा को फैन लगाने से रहे, वो कह रहे थे वो क्या कर रहता है ना मम्मी। अगर आप पे इससे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं एक नया मोबाइल ले सकता हूँ और उससे अच्छे अच्छे ब्लॉग भी शूट कर सकता हूँ। 10 दुकाने वाला टाइम होने वाला है वो अभी मेरी हेलो पहन लो। मम्मी हमेशा रीति रिवाज को अच्छे से फॉलो करती हैं। अच्छा है कि इसके साथ कम से कम ये तो दे ही दिया, कम से कम अच्छी आवाज़ तो आ ही जाती है ना इसकी वजह से आज। उसकी एक कमी ये कि इसको दबा के रखना पड़ता है पटल को, मैं इतनी देर से दबा के नहीं बोल रहा लेकिन अब दबा के हो गया। अब देखो बस मम्मी का जज्बा इससे छोटा कर देता हूँ। अब दिखाना ही क्या है इसमें मम्मी ऐसे सेट कर लेंगे फिर इसको चाहे तो ऐसे मार लो ऐसे ही बांधना जाता है। वैसे तो ऐसे जिसको जैसे बांधना है वो करते हैं। अगर आपको उसको एक साथ रिकॉर्ड करके अच्छे से बांध के दबा देना है अगर आप ऐसा करते हो, नहीं तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप कर सकते हो। आपकी चॉइस है। हथेलियों के बीच में रख के ऐसे प्रेस कर लेंगे तो ये आलू चारों तरफ फैल जाएंगे। हाँ। और जब फैल जाएंगे तो आपके पराठे जल्दी से फटेंगे नहीं। जब अब पराठे बन रहे हैं अब आपने सुन लिया, जब तक पराठे बनते जब तक पॉज करते हो क्योंकि मेरे को पकड़े पकड़े हो रहा है आदमी दर्द। अरे हाँ एक चीज़ तो बताना भूल गया, मम्मी अलग तरीके से बेलती हैं। अब भी तरीके से बेलो तो वो फूटता नहीं है, ऐसे ऐसे करती हैं। आपको भी ऐसा करना है ऐसे बेल लो। मैं बीच बीच में पॉज कर रहा हूँ, मेरी गलती है क्योंकि मेरे को ठीक समय पर पॉज ऑन करना नहीं आ रहा। थोड़ा सा आटा लेके ध्यान से देखते रहना, जिसको समझ में ना दोबारा पॉज दोबारा पीछे करके देख लेना। ऐसे स्टर करते हुए अब देखते जैसे ही आपने देख लिया, अगर आपको किसी को समझ में ना तो दोबारा पीछे करके देख सकता है जब तक मैं पॉज करता हूँ। पराठे का स्वाद तो असली सही होता है मक्खन से ही आता है। लेकिन मम्मी आप घी को डाल रही हूँ, मक्खन लेके आऊँ फ्रिज में ही तो है, मक्खन लेके आऊँ फ्रिज में ही तो है। यही मैं बता रही हूँ आपको ताकि घी से और मक्खन से भी पराठा अच्छा बनता है। लेकिन सबसे अच्छा मक्खन से, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है मक्खन से। नहीं यार मक्खन नहीं है बेटा, उसमें थोड़ा ही मक्खन कम हो गया। हाँ इसलिए हम घी यूज़ करें। वैसे मेरे को घी का भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन मेरे को मक्खन ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम डालेंगे कुल्हड़, ये मेरे को कुल्हड़ की चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। कुल्हड़ में पीते नहीं है लेकिन कुल्हड़ का स्वाद जरूर डालते हैं जिससे चाय को हम महंगी बेचते हैं। हम गरीब परिवार में से नहीं है, हमारी अमीर परिवार में से है। इसी तो बोला वैसे नहीं है, हम नॉर्मल हैं ठीक है। और ये चाय कुल्हड़ की है आगे, कुल्हड़ की चाय को गांव में कितने का होता है वो गांव में। जैसे हाँ मैं गांव का भी गया था, गांव की कोई वीडियो शूट कर रखी है मम्मी ने? गांव की कोई भी वीडियो हल्की सी शूट नहीं की, अगर शूट की होती तो मैं दिखा देता। जैसे आपको एक सीक्रेट बताऊँ, गांव में ना मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसने तो मेरे इतने जोर से काट लिया था कि पता नहीं क्या हो गया, पैर में एक तबड़ा वाला दाग लग गया था लेकिन अब वो ठीक हो गया। ये क्या कर रही हो, देखो इसे तो जला रही है
इसी का स्वाद आ जाता है। स्वाद आ जाता है। 15 मिनट का हो गया है। इसको देख लेना, पूरा ही देख के जाना, स्किप मत करना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। आज का हर एक वीडियो में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स आ रहा है। ये क्या हो रहा है? हेलो, जब इसे ऐसे थोड़ा सा गर्म कर लो, उसके बाद मिट्टी की खुशबू पीछे रह गया। पापा पापा देखो गंजी है। डर लग रहा है। हो गया हमारा इधर और थोड़ा सा उसी की सीधी में गया ना। आपको किसी को नहीं दिखा रहा आपको। बहुत टाइम वेस्ट हो गया। मम्मी आगे बोलो, अपन ने डायरी लिख रहा था। मुझे फास्ट फॉरवर्ड करना नहीं आता, देख रही हो? एक्सपोर्ट सब आता है लेकिन फास्ट फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं। चाय मारी गई है, हमने कुल्लड़ का बुरी तरीके से डाल दिया, इतना अच्छे से डाला ना कुल्लड़। जब तक का मैं पॉज कर देता हूँ, इस बार का पॉज कर रहा हूँ। एंड करूँ क्या? एंड कर तू ये व्लॉग। तो जैसे कि आपने हमारा ये सब देख लिया, हमारा किचन का ये सब, तो अब भी ऐसे ही हमारा आलू पराठा बनाया हमने, छोटा सा एक व्लॉग बनाया 16 से 17 मिनट का, शायद 17 मिनट का बन रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, इसको आप बस अच्छे से लाइक करना। अच्छे से लाइक टारगेट मैं रखता हूँ 72। ऐसे आप बता दो पराठा, ऐसा पराठा जैसे मम्मी ने आज बनाया है वैसा बना के देखो, देख रहे हो आप? बिना मसाले के, बिना उसके, तो बहुत अच्छे से बनेगा, देखना बहुत टेस्टी होता है। तो आज की व्लॉग में इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।